जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जो आपकी लेब असिस्टेंट की भर्ती है, इस भर्ती को लेके आपके लिए ये भर्ती आपकी कब तक आ सकती है, क्या प्रक्रिया रहेगी, नई 2024 की जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर पद क्या होंगे, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, संपूर्ण जानकारी के साथ बेसिक से सिलेबस जानेंगे जिसके अंदर आपकी लेब असिस्टेंट साइंस का आ जाएगा, लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी का आ जाएगा, लेब असिस्टेंट होम साइंस का आ जाएगा। तीनों का डिटेलली सिलेबस एक्सप्लेन कर लेंगे और इसके अंदर सारी जानकारी हम देख लेंगे। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए आप कैसे हैं और आगे बढ़ते हैं। इस टाइप की न्यूज़ हम सबसे पहले कोई भी होती है टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाते हैं। टेलीग्राम आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए, आप थंबनेल देख लिए होंगे, मैं ले चलता हूँ सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन में आपको बताता हूँ पूरा डिटेलली, पहले सिलेबस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पूरा सिलेबस देखेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की ओर से जो आपकी प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का जो सिलेबस है सबसे पहले वो देखने वाले हैं। ये सिलेबस में 2022 की भर्ती का दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि सिलेबस में जो भी बदलने वाला है वो क्या डाटा बदलने वाला है वो मैं आपको इस सेशन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप भी ज्योग्राफी से या लेब असिस्टेंट साइंस से या फिर आपसे होम साइंस से किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन होगा कि ये सेशन आप सभी के लिए कामगार हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर पहले पेपर की और दूसरे पेपर दोनों की बात करेंगे, ठीक है। पहले पेपर के अंदर बात करें तो आपका पहले पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा, आपके प्रश्न आएंगे इसके अंदर 100 आपके पहले पेपर के अंदर और 200 अंक के होंगे। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। इसके अलावा टोटल आपका पेपर होता है वो 400 अंक का होता है। इनमें से आधा आपका 200 अंक का तो पहला पेपर आ जाएगा जिसके अंदर पहले पेपर में बात करें राजस्थान का GK पूछा जाएगा, ठीक है। राजस्थान का GK अलावा राजस्थान का करंट GK आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान जो आपकी पूछी जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, 200 नंबर के अंदर ये कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे राजस्थान GK के लेके, राजस्थान का GK आपके लिए यहाँ पे पढ़ना होगा। उस राजस्थान GK के अंदर आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर राजव्यवस्था के बारे में नहीं लिखा हुआ है, 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की समसामयिक मामले जो राजस्थान के करंट अफेयर्स है जो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के अंदर आपका विश्व की ज्योग्राफी कुछ पढ़नी पड़ेगी, विश्व के अलावा इसके अंदर भारत की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, भारत का जो इतिहास है वो पढ़ना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी है वो भी इसके अंदर देखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर और क्या है, पेपर 2 की बात करें तो इसके अंदर क्या देखना पड़ेगा आपको, पेपर 2 के अंदर जी देखिएगा, आपको मैं बता दूं इसके अंदर फिर टॉपिक वाइज सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान देखना है, जीव विज्ञान जो आपकी है बायोलॉजी उसका सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्तर देखना है, और भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का पढ़ना है, रासायनिक विज्ञान है इसका केमिस्ट्री को जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का पढ़ना है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल का जो आपका विज्ञान है जो बेसिक विज्ञान वो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, और जो 12वीं लेवल का है उनको आपको इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़ी सी और बात करते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर सभी प्रश्नों के अंक जो समान रहेंगे, न्यूनतम आपको 40% पासिंग मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा पहले पेपर के अंदर। इसके अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए नहीं माना जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। अब इसके अंदर पेपर 1 का डिटेली सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक लगेंगे, ठीक है। टॉपिक की बात करें पहले पेपर के अंदर जो आपका राजस्थान GK का है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान का देखते हैं, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान देखते हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत देखने हैं, राजस्थान के प्रमुख प्रौद्योगिक सभ्यता देखनी है, इसके अलावा प्रमुख राजंश जिसके अंदर उनकी उपलब्धियां क्या है वो देखनी है, मुगल राजपूत संबंध देखना है, स्थापत्य कला, प्रमुख विशेषता, महत्वपूर्ण किले, स्मारक की रचनाएं और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की विरासत एवं विश्व संध्या, जो 1857 का जन आंदोलन है वो भी इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, इसके अलावा इसके अंदर देखो बहुत कुछ पढ़ना है आपको, जिसके अंदर कृषक एवं जन जनता आंदोलन जो प्रजामंडल आंदोलन है वो देखना है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण, विकास
महिलाओं का विशेष संदर्भ में पढ़ना है आपको। इसके अलावा भूगोल की बात करें, राजस्थान का भूगोल है जो आपका, स्थिति विस्तार देखना है, और भौतिक विभाग जरूरस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये सब अफवा तंत्र, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक मुद्दे और मरुस्थलीकरण, जल कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन और बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा, ये सब इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के अंदर देखते हैं क्या क्या टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के समसामयिक मामले के अंदर विश्व भारत का सामान्य ज्ञान देखना है, शैक्षणिक मनोविज्ञान देखना है। इसके अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान का अलग से टॉपिक नहीं दिया है और विश्व भारत का सामान्य ज्ञान के भी अलग से टॉपिक नहीं दिया है, तो इसके अंदर ज़्यादा मैटर नहीं पूछा जाएगा, बेसिक मैटर पूछा जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर बेसिक आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा देख लेते हो तो भी आपके लिए काम हो जाएगा। और शैक्षणिक मनोविज्ञान के 5-7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक लगते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान के, वो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। पेपर 2 की बात करें, इसके अंदर जो आप विज्ञान और सेकेंडरी स्तर का ज्ञान देखना है, जिसके अंदर जीव विज्ञान, बायोलॉजी सेकेंडरी लेवल का है। जीव विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक हो गए, शैवाल, कवक, शैवाक, ये सब आगे इसके अंदर बायोफाइडा, इस टाइप से जो भी टॉपिक है वो आप एक बार खुद से देख लेना, हम टेलीग्राम पे ये PDF पूरी उपलब्ध करवा देंगे, थोड़ा सा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा इसकी वजह से। इसके बाद जीव विज्ञान भाग बे के अंदर देखना है, इसके अंदर भाग बे के अंदर बात करें तो आपको इसके अंदर अनुवंशिकी देखनी है, मंडल के नियम और सामान्य शब्दावली, DNA और RNA की संरचना, ये सब आपको देखना है। जंतु जगत का वर्णीकरण, इसके अलावा मानव में प्रचलन, शोषण, उत्सर्जन, विनियाक्सी और अनाक्सी, ये सब देखना है। इसके अलावा इसके अंदर मानव में परिसंचरण तंत्र एवं अंते, और इसके अलावा मानव तंत्रिका तंत्र, ये सब इसके अंदर पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक इसके अंदर देखना है पूरा कंप्लीट। अब भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान के अंदर भी काफ़ी अच्छा मैटर जो है रखा है, वो पढ़ना आपको दृढ़ पिंड गति की और ऊष्मा गति की, और इसके अंदर दोलन पढ़ना है, तरंगे पढ़नी है, विद्युतीय पढ़ना है आपको, स्थिर विद्युतीय और पढ़ना है, प्रकाशीय पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, परमाणु पढ़ना है, नाभिकीय पढ़ना है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ना है। अब रासायनिक विज्ञान की बात करें, रासायनिक विज्ञान के अंदर आपकी इकाई 1 के अंदर आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म पढ़ना है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ना है, क्वांटम संख्या पढ़नी है, उपली का अपवर्तन सिद्धांत पढ़ना है, ओपवो सिद्धांत पढ़ना है, कक्षाओं के प्रकार पढ़ने हैं, होंड का नियम पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है, परमाणु के गुणधर्म में परिवर्तन पढ़ना है, ये सब आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इकाई 2 के अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर इकाई 2 के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व देखना है, सामान्य परिचय देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्ति, ये सब देखना है, ऑक्सीकरण की अवस्था देखनी है, ये सब इसके अंदर पढ़ोगे तभी इसके अंदर नाका लगेगा, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर भी रासायनिक साम्य की प्रभाव करने वाली कारक, उष्मरणीय, अनुत्मरणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम, ली साल्टनाई, चौथे यूनिट के अंदर आयनिक साम्य, अम्लसार साम्य, pH मान, सम आयन प्रभाव, बपर विलयन और अम्लसार अनुमान, ये सब इसके अंदर देखना है, गुणधर्म, बोयल का नियम, पांचवे के अंदर चार्ल्स का नियम, ये सब डोल्टन का नियम, ग्राहक का विसरण नियम, ये सब। इकाई 6 के अंदर द्रव व्यवस्था, दरों के गुणधर्म, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, सयानता, सातवीं इकाई के अंदर आपकी ठोस द्रव व्यवस्था, ठोस गुणधर्म और ठोसों का वर्गीकरण, इकाई कोशिका को उनके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, ये सब इसके अंदर देखना है, विलयन वगैरह, आठवीं इकाई के अंदर, नौवीं इकाई के अंदर, ये सारी इकाई आपको इसके अंदर पढ़नी है, 10 इकाई तक इसके अंदर आपके अवेलेबल है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका होने वाला भूगोल से पेपर होने वाला है, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना होगा आपको। भूगोल से बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर कॉलेज शिक्षा आयुतकालीय हेतु सीधी भर्ती है, इसके अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, और बे भाग आपकी जियोग्राफी की रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 40% रहेगा, 1/3 45 मार्किंग रहेगा, सभी अंक समान रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है ही है। और पाठ्यक्रम आपको इसके अंदर 300 अंक का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक का पहला पेपर आएगा, 201 का सेकंड पेपर आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर पहले पेपर के अंदर मैंने आपको पहले वाला बताया था, वो आपने देखा होगा, उसी टाइप का इसके अंदर पूछा जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर अलग से कुछ नहीं है। पार्ट बे के अंदर भूगोल की बात करें इसके अंदर, तो भूगोल के अंदर भूगोल के समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उचित एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों, महाद्वीपों का विवरण, शैल प्रकार, विशेषताएं, भू आकृति, प्रक्रियाएं, स्थल रूप में उनका विकास, वायुमंडल संगठन एवं संरचना,
सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन, तापमान विवरण, वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिवर्तन या परिसंचरण, ये सब इसके अंदर देखना पड़ेगा। इसके टाइप के टॉपिक इसके अंदर पूरे कंप्लीट दे रखे हैं, आप एक एक टॉपिक खुद से देख लेना क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेकंड पेपर बताने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, तो सेकंड पेपर मुख्यतः आप खुद से देखिएगा, अपने फर्स्ट पेपर के ऊपर चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर जीव विज्ञान के टॉपिक के ऊपर ले चलता हूँ आपको, सॉरी होम साइंस के अंदर गृह विज्ञान जो आपकी कहते हैं उसके अंदर परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है। पार्ट ए के अंदर तो आपको राजस्थान का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर 100 नंबर का आएगा। इसके अलावा भाग बे है जो आपका गृह विज्ञान या होम साइंस हो सकती है, इसके अंदर 200 नंबर का आएगा। टोटल 300 नंबर का, 3 घंटे का समय लगेगा। इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, 40% पासिंग मार्क्स, 1/3 माइनस मार्किंग, ऋणात्मक अंकन है ही आपके लिए, ये सब बराबर सभी प्राप्तांक अंक समान है। इसके अलावा सारी बात मैंने आपको बता दी। पार्ट ए के अंदर जो पूछा जाएगा वो पहले शुरू में बताया था वही इसके अंदर पूछा जाएगा, अलग से इसके अंदर कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे इसके अंदर भोजन पोषण स्वास्थ्य स्वास्थ्य संतुलन आहार RDA ये सब इसके अंदर होगा। भार मापन इकाइयां का रूपांतरण करना ये सब आर योजना होगी। इसके अंदर भोज्य पदार्थ का मिलावट हो गया ये सब इसके अंदर देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपका होम साइंस है, तो होम साइंस के अंदर हिसाब से उसी हिसाब से टॉपिक आएंगे आपको सारे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर वर्धीय विकास आ गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्राथमिक चिकित्सा आ गए, इसके अलावा सारे वर्गीकरण वगैरह आगे, विशेषता आगे, ये सारे इसके अंदर देखना पड़ेगा टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर सारे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं वो आप एक बार खुद से देख लेना। आपने आज इस सेशन के अंदर यही बात की है कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, मैंने पूरा आपको डिटेल ही बता दिया है ना A to Z। तो इसके अंदर आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी आपके लिए आएगी बहुत जल्दी, आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपकी सबसे पहले आपके 12th के अंदर ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर आपके होंगे तो ही होगा। इसके अलावा इसके अंदर CET बेस आपकी एग्जाम होगी या ऐसे होगी, वो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर उस टाइम बता देंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें आपके एज की, बात करें 18 से 35 साल की आयु पर रखा जाता है इसको। इसके अलावा इसके अंदर 2022 के अंदर ये लास्ट भर्ती आई थी, इससे पहले 2 साल होने को गए हैं, 2 साल हो गए, तो इसके अंदर आपकी बहुत जल्दी आपके लिए भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें, आपको पता ही है कैसे तैयारी करना क्या नहीं करना, सिलेबस मैंने आपको डिटेली बता दिया। जो आपका होम साइंस सॉरी विज्ञान है लैब असिस्टेंट के अंदर, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर आपका 200 अंक का होता है, बाकी के अंदर 100 अंक का होता है। बाकी जो होम साइंस और जियोग्राफी है उसके अंदर 100 अंक का ही आता है, और बाकी इस विज्ञान के अंदर जो आपका 200 अंक का पेपर होता है, 200 अंक के साथ में आपके एक तो करंट अफेयर्स जोड़ा गया है 100 नंबर के साथ में, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान जोड़ा गया है, शैक्षणिक मनोविज्ञान जोड़ा गया है। इसके अलावा इसके अंदर पिछली जो भर्ती हुई थी उसके अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान जोड़ गए, उसमें से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। इस हिसाब से मैंने आपको A to Z डिटेली जानकारी दे दी है, पूरा कंप्लीटली आप A to Z पढ़ते जाना, अच्छे से तैयारी करना, आपका सिलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। निरंतर अपनी प्रयास जारी रखें, मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। उम्मीद है शानदार तरीके से सेशन समझ आ चुका है, फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।